बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन जोन में खुश आमदीद कहते हैं। काशकर भाई, आज हम सबसे पहले शेयर करेंगे कि इस वक्त जो है अगस्त के इख्तिताम और सितंबर के शुरू के अंदर कपास की ओवरऑल फील्ड में घूमने फिरने के बाद क्या सिचुएशन नज़र आई है। काशकर भाई, सबसे पहली बात तो ये है, अब जैसे जैसे जो हमारी कपास है वो बलूगत की तरफ जा रही है, जो बिल्कुल मचोर होती जा रही है, वैसे वैसे गुलाबी सुंडी का हमला भी बढ़ता जा रहा है। और जिन जगहों पर सफ़ेद मक्खी का स्प्रे नहीं किया गया वहाँ पर सफ़ेद मक्खी की कलोनियां बनती जा रही हैं। पत्ते निचले जो है खास तौर पर वो सूटी मोल्ड से काले होना शुरू हो चुके हैं। अब तेले और थ्रिप्स का तकरीबन दौर खत्म होने को है, कहीं कहीं पर ही उसकी कलोनी है जहां पर नाइट्रोजनी खाद का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अब काश्तकार भाइयों, आप लोगों के लिए जो चैलेंजिंग पेस्ट हैं वो एक गुलाबी सुंडी है और दूसरे नंबर पर सफेद मक्खी है। लिहाजा ओवरऑल अगर आप कम खर्चा चाहते हैं तो सफेद मक्खी के अंडे बच्चों की स्प्रे और हर स्प्रे के साथ गुलाबी सुंडी की स्प्रे को लाजमी जाने कोशिश करें, बर वक्त स्प्रे करें, वरना टिंडों के अंदर आप और मुझे सुंडी जाती हुई नज़र नहीं आती, जिस वजह से हम मुतमिन रहते हैं। पहली चुनाई के बाद आप काटन पिकर यानी चोनियों से पूछें, वो आपको बताएंगे कितनी सुंडी के पास में आ रही है। तो बर वक्त और सही जो है दुआ का इंतखाब करके गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करें। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।